तो दोस्तों बात करें अगर गैलेक्सी F15 और रियलमी 12 की कीमत की, तो 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन को अगर कंपेयर करें तो लगभग 2500 रुपये महंगा है रियलमी 12। तो 2500 रुपये महंगा होने के बाद आपको रियलमी 12 में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, या फिर सस्ता होने के बावजूद गैलेक्सी F15 ही बेहतर है, यही डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम्स की। तो रियलमी 12 में आपको सुपर वू फास्ट चार्जर 7 देखने को मिलता है 45W का, जबकि F15 में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा रियलमी 12 में आपको एक सिलिकॉन कवर भी देखने को मिलता है, तो यहाँ रियलमी 12 F15 से ज़्यादा बेहतर है। डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम और अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन मिलता है दोनों में, जैसे कि F15 में आपको मिलेगा ग्लॉसी फिनिश, रियलमी 12 में आपको मिलता है रफ फिनिश। और यहाँ से क्लोज लुक आप ले सकते हो कि लगभग कैसा डिज़ाइन आपको रहने वाला है। दोनों ही डिवाइसेस के पर्पल कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर कैमरा शेप की बात करें तो F15 में वही कैमरा शेप मिलता है जो आप सैमसंग के बाकी के डिवाइसेस में देख चुके हो, थोड़ा सा ओल्ड टाइप का, बट छोटे कैमरा लेंस पर्सनली मुझे पसंद है तो F15 मुझे यहाँ बेहतर लगा। रियलमी 12 में थोड़े बड़े कैमरा लेंसेज, जो पिछले रियलमी 11 में भी आप देख चुके हो, उस टाइप का कुछ कैमरा देखने को मिलता है। तो ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिवाइस या कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। दोनों ही डिवाइसेस के कॉर्नर्स काफ़ी कमाल के और प्रीमियम फील होते हैं। इसके अलावा अगर राइट साइड की बात करें तो वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि पावर बटन के ऊपर ही है, दोनों में देखने को मिलता है, यानी कि दोनों में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। बॉटम पार्ट पर आपको मिलेगा टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर और 3.5mm का हेडफोन जैक। F15 में लेफ्ट साइड पर सिमोर SD कार्ड स्लॉट दिया है, तो रियलमी 12 में ये आपको टॉप पर मिलता है। और दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट। इसके बाद अगर डिमेंशन की बात करें तो उस कंडीशन में रियलमी 12 बेहतर है, स्लिमनेस के मामले में भी, इसके अलावा वेट के मामले में भी। तो F15 थोड़ा सा आपको हैवी फील हो सकता है रियलमी 12 से, हालांकि साइज के मामले में रियलमी 12 थोड़ा सा लंबा डिवाइस है। पर्सनली कॉम्पैक्टनेस के मामले में मुझे रियलमी 12 ज़्यादा बेहतर लगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो सबसे पहला तो यहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि F15 में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो कलर टोन का दोनों में कोई भी मैच यहाँ नहीं बनता। F15 में जहाँ आपको बहुत ही पंची कलर देखने को मिलते हैं, तो उसके सामने रियलमी 12 का डिस्प्ले थोड़ा सा वॉश आउट सो होता है। इन विजुअल बात करें तो रियलमी 12 का IPS डिस्प्ले काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है, काफ़ी पंची कलर देखने को मिलती है, लेकिन F15 के एमोलेड डिस्प्ले से वो कंपेयर नहीं कर सकता। हालांकि रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो रियलमी 12 का बहुत ज़्यादा बेहतर है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है रियलमी 12 का, जबकि F15 का है 90Hz का। इसके अलावा रियलमी 12 एक चीज़ में बेहतर है कि आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले मिलता है, जबकि F15 में आपको मिलता है टाइप यू नॉच डिस्प्ले। और एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो रियलमी 12 पर आपका बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि पतले बेजल्स दिए गए हैं, जबकि F15 में आपको काफ़ी चौड़े चौड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस दोनों ही डिवाइसेस की कमाल की है, आउटडोर में आप दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। UI फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज एंड्रॉइड 14 पर रन करते हैं। रियलमी 12 में आपको मिलता है रियलमी UI, F15 में आपको मिलता है सैमसंग का वन UI। लुक एंड फील यहाँ से आप देख सकते हो, दोनों ही डिवाइसेज में आप ऐप ड्रॉअर अलग, होम स्क्रीन अलग, ये भी रख सकते हो। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल का एक लुक यहाँ से आप देख सकते हो। पर्सनली मुझे F15 का वन UI ज़्यादा बेहतर लगा। एक तो वहाँ पर आपको 4 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा स्मूथ है, जबकि रियलमी 12 में थोड़ा सा ग्लिच कभी कभार देखने को आपको मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो F15 में एडवांस फीचर्स के अंदर ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसी से मिलते जुलते ट्रेंड फीचर्स आपको रियलमी 12 में स्पेशल फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक फीचर्स आपको रियलमी 12 में बेहतर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स वगैरह, जो आपको F15 में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं F15 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि रियलमी 12 में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ दोनों लगभग सेम ही लगे। कैमरे की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस के मामले में रियर कैमरे में पिक्सल काउंट में रियलमी 12 बेहतर है, F15 फ्रंट कैमरे के पिक्सल काउंट में बेहतर है। बाकी का अगर फीचर्स की बात करें तो वहाँ दोनों लगभग सेम हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। रियलमी 12 में आपको डुअल व्यू वीडियो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 30fps पर फुल HD तक का वीडियो आप दोनों ही डिवाइसेस से रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS दोनों में से किसी में नहीं मिलता है, बट EIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको F15 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा F15 में अल्ट्रावाइड लेंस दिया है, तो यहाँ से आप अल्ट्रावाइड फोटोज़ और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि रियलमी 12 से पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, F15 वर्सेज रियलमी 12 कैमरा कंपेरिजन। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो।
अगर आप थोड़ा डिस्टेंस से फोटोग्राफी करते हो तो दोनों ही डिवाइसेस की पिक्चर्स लगभग आपको सेम ही देखने को मिलती हैं, हालांकि थोड़े से पंची कलर आपको रियलमी 12 पिक्चर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन F15 में क्योंकि आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो वो पिक्चर जब आप F15 के डिस्प्ले पर देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा पंची और अमेजिंग नज़र आती है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में रियलमी 12 पूरी तरह से F15 को बीट करता है, क्योंकि F15 में थोड़ी सी नेचुरल स्किन टोन हो रही है, वजह से थोड़ी अजीब सी स्किन टोन शो होती है, जबकि रियलमी 12 में ब्यूटी इफेक्ट काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है। फ्रंट कैमरे में भी दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, यहाँ दोनों ही मुझे अच्छे लगे, लेकिन रियलमी 12 में जैसे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है तो उस हिसाब से डिटेलिंग काफ़ी कमाल की है, और रियर कैमरे का इन कैमरा जूम 3x काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है रियलमी 12 का, और यहाँ ये F15 से बेहतर लगा। प्रोसेसर में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको Dimensity का 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट UI चेंज होने की वजह से परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे कि 120Hz का डिस्प्ले आपको मिलता है Realme 12 में, तो वहाँ पर स्क्रोलिंग वगैरह आपकी थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है F15 से, जबकि F15 की बात करें तो ग्लिच फ्री UI है, और Realme 12 से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको कॉमन यूज़ में देखने को मिल जाती है F15 पर। गेमिंग में आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बिना किसी इशू के प्ले कर सकते हो, लेकिन हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप दोनों में से किसी डिवाइस पर प्ले नहीं कर सकते, दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी इशू देखने को मिलता है। इसका भी स्पीड टेस्ट में एक डिटेलर बना चुका हूँ, जहाँ मैंने गेमिंग, कॉमन यूज़ और मल्टीटास्किंग तीनों परफॉर्मेंस के बारे में डिटेलर बात की है। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस रियलमी 12 की काफ़ी बेकार है, और वहाँ F15 यहाँ पूरी तरह से रियलमी 12 को बीट करता है। हार्डवेयर में ही बात कर लेते हैं बैटरी की, तो रियलमी 12 में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 45W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। F15 में आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 25W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कहां पर रियलमी 12 F15 को बीट करता है और कहां F15 रियलमी 12 को बीट करता है, तो 2500 रुपये सस्ता होने के बावजूद भी F15 यहाँ मुझे काफ़ी कमाल का लगा। प्राइस रेंज के हिसाब से F15 काफ़ी कमाल का डिवाइस है। इंडिविजुअली रियलमी 12 भी अपने आप में ठीक है, बट जो सैमसंग के ऊपर एक धब्बा था कि काफ़ी महंगे फ़ोन आते हैं, तो उस हिसाब से F15 यहाँ रियलमी 12 को बीट करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।